हेलो नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक करंट अफेयर के फोर्थ लेक्चर में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम प्रीलिम्स 2018 के लिए जो करंट अफेयर है इकोनॉमी का मेनली वो डिस्कस करते हैं करेंगे। तो चलिए हमारी डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो न्यूज़ है वो आई है सात स्कीम के बारे में। तो क्या है सात स्कीम, इसको हम देख लेते हैं। सात स्कीम है, यह नीति आयोग और आसाम गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है। इसमें मेनली कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो फंड है, हमारे देश की कॉन्सेप्ट है, उसको आगे ले जाने के लिए है। इस स्कीम में किस चीज़ पर फोकस किया जाएगा, देखो सात स्कीम का मतलब है सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। इस स्कीम में मेन फोकस किया जाएगा कि पब्लिक हेल्थ और जो एजुकेशन सेक्टर है इसको आगे लेके जाया जाए मेनली नॉर्थ ईस्ट के सेक्टर में। तो अभी ये स्कीम स्टार्ट की गई थी आसाम गवर्नमेंट के साथ। तो ध्यान रखना कि भाई नीति आयोग के द्वारा और आसाम गवर्नमेंट के दोनों के सहयोग के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। क्यों? हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर के ऊपर फोकस करने के लिए, उसे आगे ले जाने के लिए। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं, अगली जो न्यूज़ है वो आइए वस्त्रा के बारे में। तो देखो वस्त्रा है वो मेनली टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा ही एक फेयर है आयोजित किया गया था, उसका नाम है वस्त्रा, नाम से उसे पता चल जाएगा। तो मेनली इंटरनेशनल टेक्सटाइल एंड जो अपीएल फेयर फेस्टिवल था वो जयपुर में आयोजित किया गया था और उसी का नाम था वस्त्रा। नाम से पता चल जाएगा तो इसमें कोई इशू नहीं रहेगा। आगे आपको चलते हैं आगे। अगली जो न्यूज़ है वो आई है दीनदयाल हस्तकला संकुल के बारे में। देखो दीनदयाल हस्तकला संकुल है, इनका इसका नाम इंग्लिश में भी सेम यही है। कुछ देखो मैक्सिमम स्कीम ऐसी होती है जिनका हिंदी और इंग्लिश में नाम है वो सेम ही रहता है। तो देख लेते हैं इसमें है क्या। सबसे पहली बात यह कि दीनदयाल जो हस्तकला संकुल है इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारे देश के हैंडीक्राफ्ट के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, जो कि मतलब हैंडमेड प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जो बुनकर वगैरह होते हैं, इनको एक्चुअली सपोर्ट दिया जाएगा ताकि ये लोग एक्सपोर्ट वगैरह कर सके ढंग से, इनको फैसिलिटी वगैरह मिलेगी। तो इसमें मेनली ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर है उसके द्वारा जो हस्त उद्योग है हमारे देश की उसको आगे ले जाने के लिए इसे स्टार्ट किया गया है, हस्तकला संकुल को, जो कि वाराणसी में स्थापित किया गया था। क्योंकि देखो वाराणसी में काफ़ी हैंडमेड प्रोडक्ट्स वो बनाए जाते हैं, तो इसलिए वहाँ पे जो बुनकर वगैरह है या फिर जो भी और एक्सपोर्टर हैं हैंडीमेड प्रोडक्ट्स के, उनको एक्चुअली पूरी फैसिलिटी वगैरह दी जाएगी ताकि हमारे देश का एक्सपोर्ट बढ़े और उनको भी आमदनी वगैरह हो सके। अब देखते हैं अगली न्यूज़। अगली न्यूज़ है वो आई है नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2017 के बारे में। तो नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2017 ये मेरे सितंबर के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है। 2017 को मनाया गया था किसके द्वारा, मिनिस्ट्री, ध्यान रखना है कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा इसे आयोजित किया गया था। फोकस क्या रहेगा, हमारे देश में देखो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट ने यह प्रावधान किया कि भाई क्यों जो न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है इसको दूर किया जाए, मतलब कुपोषण की समस्या को खत्म किया जाए और न्यूट्रिशन से लोगों को प्रोवाइड करवाया जाए। तो उसी के लिए अवेयरनेस के लिए मेरे लिए प्रोग्राम है चलाया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है होम्योपैथिक वायरोलॉजी लैब के बारे में। तो होम्योपैथिक वायरोलॉजी लैब है, इसमें मैं लिए जाएंगे कि इंडिया की पहली होम्योपैथिक वायरोलॉजी लैब है वो आयुष मिनिस्ट्री की हेल्प से कोलकाता में स्टार्ट की गई थी। तो देखो है कैसे लैब में, यह लैब मेनली जो भी वायरल डिजीज वगैरह होती है होम्योपैथिक रिसर्च है उसको आगे प्रमोट करेगी, ताकि जो डायग्नोस्टिक्स वगैरह है वो सारे हो सके। और मेनली होम्योपैथिक मेडिसिन है वो, नई मेडिसिन, नए वैक्सीन टेबलेट वगैरह है, उनके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होगा इसमें। कहाँ स्थापित की गई है, कोलकाता में। नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये स्मार्ट एग्रीकल्चर कॉन्क्लेव के बारे में। तो स्मार्ट एग्रीकल्चर कॉन्क्लेव है, यह मेनली फार्मर्स जोन को बनाने के लिए किया गया। क्या फार्मर्स जोन है और क्या है कॉन्क्लेव है वो भी देखते हैं क्या करके। देखो बात ऐसी है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो कि साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है वो, और इसी के साथ यूके का जो रिसर्च काउंसिल है, इन दोनों ने मिलकर इस कॉन्क्लेव को, इस मीटिंग को आयोजित किया है। इसमें होगा क्या, इसमें ये होगा कि भाई किसानों के लिए छोटे छोटे जोन बनाए जाएंगे। अब उन जोन में क्या होगा, उन जोन में ये होगा कि इंटरनेट पर उनको सारा डाटा एक जगह प्रोवाइड करवाया जाएगा, जैसे कि फार्मर्स को क्लाइमेट चेंज के बारे में इंफॉर्मेशन है या फिर वेदर के बारे में कि इस बार वेदर कैसा रहेगा, आगे नेक्स्ट वीक में किस तरीके का, तो मतलब फार्मर्स को पूरी इन्फॉर्मेशन आएगी सोयल के बारे में कि ऐसी सोयल है तो उसको मतलब अगर ज़्यादा एसिडिक सोयल है तो उसमें ये चीज़ यूज़ करनी है, अगर कम एसिडिक सोयल है तो उसमें ये चीज़ सारी चीज़ें यूज़ करनी है अमली छारे मर्दा के लिए, तो वो सारी मतलब सोल्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी। इसके साथ ही वाटर को किस तरीके से यूज़ करना है, कौन सी फसल के लिए कितना पानी वगैरह, वो सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी ये जो इंटरनेट पर एक तरीके से क्लाउड है वो बनाए जाएंगे, और उनका नाम है फार्मर जोन। तो छोटे छोटे फार्मर जोन बना के इस तरीके से फार्मर्स की हेल्प है वो की जाएगी। किसके द्वारा, ध्यान रखना है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और यूके का जो रिसर्च काउंसिल है उसके बेस पे इसे ऑर्गेनाइज हो किया गया था, एक तरीके की मीटिंग थी। नेक्स्ट न्यूज़ है वह ये प्रधानमंत्री इकोनॉमी एडवाइजरी काउंसिल के बारे में। तो इसे PMEAC या EACPM के नाम से जाना जाता है। सबसे पहली बात इसकी यही बात आती है कि नॉन परमानेंट है, ना ही संविधान में उल्लेख है और नॉन स्टेचुरी है, मतलब ना तो संविधान में लिखा हुआ है इसके बारे में मेंशन, ना ही कोई एक्ट के तहत बनाई गई है और ना ही परमानेंट है, बस स्वतंत्र रूप से काम करती है। काम क्या इस बॉडी का, इस बॉडी का काम ये है कि प्रधानमंत्री को इकोनॉमी के लिए जो भी इकोनॉमिक मुद्दे होते हैं उनके बारे में एडवाइस वगैरह देना, मतलब मैंने इकोनॉमी के, देखो प्रधानमंत्री को ऐसा तो है नहीं कि सारी बातों के बारे में सब कुछ पता होता है, तो इसलिए उनको अवेयरनेस या उनको एक्चुअली जो भी हेल्प वगैरह चाहिए होती है, मतलब सुझाव वगैरह चाहिए होता है, इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ काम होता है, तो वो सारी एडवाइस इस इकोनॉमिक बॉडी के द्वारा दिया जाता है। 5 सदस्यों की एक बॉडी है वो होती है, तो इसके बारे में न्यूज़ आई थी तो हमने इसे कवर की है।
नेक्स्ट न्यूज है वो आई है जीरो हंगर प्रोग्राम के बारे में। तो क्या है जीरो हंगर प्रोग्राम, इसे देख लेते हैं। जीरो हंगर प्रोग्राम में देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो टारगेट रखे गए हैं 2030 तक जिन्हें अचीव करना है, 17 टारगेट हैं जिन्हें हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी इस वीडियो तो मैंने वो फोटो ऐड नहीं किया, नेक्स्ट वीडियो में अगर फोटो ऐड करिए उसमें एक बार वापस उनको रिवाइज भी करेंगे कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट हैं। तो देखो मेनली जो टारगेट हैं स्टार्टिंग के 5-6 वो तो आपको याद रहने चाहिए कि गरीबी को मिटाना, भूखमरी मिटाना है, इसी के साथ ही मॉल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को दूर करना है, वो सारे पॉइंट्स हमें बेसिक पता होना चाहिए कि कौन सा टारगेट क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट है वो 2015 से स्टार्ट किए गए थे, वो 2030 तक चलेंगे, मतलब 15 साल का टारगेट रखा गया। इससे पहले जो टारगेट थे 2015 तक वो थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, तो वो भी हमें पता होना चाहिए, बट उनके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नीचे कि भाई क्या क्या थे उनमें। बस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो टारगेट हैं 17 उनमें से स्टार्टिंग के 5-6 तो ध्यान होने चाहिए कि भाई ये था वो। मेनली मेंस के अंदर एक तो आंसर राइटिंग में हेल्पफुल होते हैं और वैसे भी उनका प्रीलिम्स में यूपीएससी क्वेश्चन से पूछ सकती है। अब जीरो हंगर प्रोग्राम है यह मेनली है कि ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और इसी के साथ ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इन दोनों के द्वारा, इसी के साथ MS स्वामीनाथन एक फाउंडेशन है वो, और चौथा कौन है, चौथा है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल ब्राक, इनके द्वारा ही इसे स्टार्ट किया गया है। इसमें है क्या, इसमें ये है कि भाई भूखमरी है उसको मिटाना है, नाम से पता चला कि जीरो हंगर प्रोग्राम, मतलब भूखमरी को खत्म करने के लिए, जो कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के एक टारगेट्स में एक है। टारगेट ये रखा गया इसमें कि भाई 2022 तक इंडिया को मॉल न्यूट्रिशन फ्री होता, मतलब कुपोषण फ्री है इंडिया को घोषित करवाना है 2022 तक। इसके लिए इसमें प्रयास है वो उठाए जाएंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर फोकस किया जाएगा और मेडिकल रिसर्च है उस पर फोकस किया जाएगा। MS स्वामीनाथन फाउंडेशन है वो जो भी हेल्प है वो प्रोवाइड कर जाएगी और बायोटेक्नोलॉजी जो रिसर्च इंडस्ट्री है वो भी अपने जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन है वो देगी। तो मैल न्यूट्रिशन को खत्म करने के लिए, मैल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया बनाने के लिए जीरो हंगर प्रोग्राम चलाया गया है। नेक्स्ट न्यूज है वो आती है स्वच्छ हैकाथॉन 1.0। तो स्वच्छ हैकाथॉन 1.0 है क्या, यह मैं स्वच्छता को प्रमोट करने के लिए, सफाई हमारे देश में आगे ले जाने के लिए, कि भाई सफाई के लिए बहुत सारे अभियान चले हैं गवर्नमेंट ने, तो उसी के लिए एक हैकाथॉन है वो आयोजित किया गया 1.0 के नाम से। तो उसे नाम से थोड़ा बहुत पता चल जाता है कि स्वच्छ हैकाथॉन मतलब सफाई से रिलेटेड है। मिनिस्ट्री बिल्कुल ध्यान रखनी कौन से नोडल मिनिस्ट्री हुआ है, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, यहाँ बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है मिनिस्ट्री के बारे में। इसके साथ इसमें होगा क्या, इस हैकाथॉन में होगा भाई स्कूल कॉलेज में क्या होगा कि जगह जगह जा जाके वहाँ पे बिहेवियर चेंज की बात की जाएगी, टॉयलेट वगैरह को यूज करने के लिए लोगों को अवेयर करवाया जाएगा, गांव में भी लोगों को अवेयर करवाया जाएगा कि भाई कि वो टॉयलेट को यूज करें और बिहेवियर किस तरीके से चेंज होगा उसके लिए भी कुछ स्टेप है, नुक्कड़ वगैरह रैलियां वगैरह वो लगाई जाएंगी, ये सारे काम किए जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज है वो आई है 5G के बारे में, 5G 2020 फॉर्म के बारे में है क्या, इसका देखो मेनली ये प्रावधान किया गया 5G 2020 फॉर्म का कि भाई इंडिया के अंदर 5G है वो जैसे विदेश में आएगा उसी के साथ इंडिया में भी इस बार आना चाहिए। इंडिया में जैसे 3G 4G काफ़ी लेट आए थे तो इस बार इंडियन गवर्नमेंट ने पहले ही कमर कस लिया कि इंडिया में भी 5G है, जैसे फॉरेन कंट्रीज में भी 2020 तक के आसपास 5G लॉन्च हो जाएगा, तो उसी तरीके से इंडिया पहले तैयार हो गया इस बार कि 2020 तक 5G लेके आना है, तो उसी के लिए फॉर्म बनाया गया है। कौन कौन सी मिनिस्ट्री का सहयोग है इसमें, साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री है, टेलीकॉम सेक्टर है, इसके साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री है, इन दोनों ने मिलके इसे, इन मिनिस्ट्री से इनके मिलके स्टार्ट की है। इसमें होगा क्या, इसमें होगा कि जो इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन है उसके स्टैंडर्ड फॉलो किए जाएंगे, मतलब इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो किए जाएंगे, बस 5G के लिए मेनली है, इतना ही ध्यान रखना है। आगे जो न्यूज है वो ये गिफ्ट सिटी के बारे में, तो गिफ्ट सिटी कहाँ पे है पहले तो ये ध्यान रखना है। देखो गिफ्ट सिटी है वो है गुजरात में, तो गिफ्ट सिटी गुजरात में है वो गांधीनगर में, उसी को लेकर न्यूज आई है। न्यूज़ ये है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है वो ओपन किया गया है गिफ्ट सिटी गांधीनगर में, बस ये हमें ध्यान रखना है, मतलब IFSC। अभी IFSC क्या करेगा, क्या काम है इसका, मेनली ये काम है कि देखो जो इंटरनेशनल लेवल पर जो फाइनेंशियल सर्विस है वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी, जैसे कि कोई भी फॉर एग्जांपल जैसे कि इंडिया में सेबी वगैरह क्या करती है, जो भी शेयर वगैरह काम होता है वो सारे काम उसके द्वारा टैकल किए जाते हैं, तो उसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर फाइनेंशियल सपोर्ट, जैसे किसी भी कोई कंपनी को इंटरनेशनल लेवल पर कोई फंड वगैरह चाहिए हो तो वो सारी सर्विसेज हैं वो इस सेंटर पर प्रोवाइड करवाई जाएंगी, जो कि इंडिया में खोला गया, मतलब इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड है वो फॉलो किए जाएंगे इस सेंटर में जो कि गांधीनगर में खोला गया इंडिया में पहला। तो UPSC पूछ सकती है कि इंडिया का पहला IFSC सेंटर कहाँ खोला गया है, बिल्कुल जी गांधीनगर गिफ्ट सिटी के अंदर खोला गया है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को उसमें फॉलो किया जाएगा, जैसे कि सिंगापुर संघाई वगैरह में मलेशिया में जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए वो सारे स्टैंडर्ड्स को यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट है वो है APA के बारे में, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के बारे में। तो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट क्या, इसे भी हम देख लेते हैं क्यों इसे गवर्नमेंट ने लगाया है वो भी हम एक एक करके देखते हैं। देखो इस चीज़ इसे हम समझते हैं कि एग्जाम्पल से ये मान लो कि एक कंपनी है, ये मान लो कि मदर डेयरी का एग्जांपल है, लो कि मदर डेयरी है मानो कि आप US की कंपनी है, ये मान के एक बार केवल अज्यूम करना आपको कि मदर डेयरी US की कंपनी है। अब वो कंपनी क्या कर रही है, इंडिया में ब्रेड बना के बेच रही है, बिल्कुल ब्रेड बेच रही है। अब ये ब्रेड बेचने के लिए ऑब्वियसली से रॉ मटेरियल में आटा चाहिए होता है, तो ये क्या कर सकती है,
ये यूएस की मेन कंपनी है और इसी की दो तीन कंपनियां यूएस में भी हैं जो आटा वगैरह बनाती हैं। तो ये कंपनी है जो इंडिया में बना रही है ना ब्रेड, ये दो काम कर सकती है। पहला तो ये कर सकती है कि भाई इंडिया से आटा खरीद के ब्रेड बना के यहाँ बेच रही है, दूसरा काम ये कर सकती है कि यूएस से आटा खरीद के बेचे। अब देखो क्या करेगा, अगर इंडिया में टैक्स इसको ज़्यादा लग रहा है और यूएसए में टैक्स काफ़ी कम, मतलब ये मान लो कि यूएस में टैक्स की रेट फ्री है ऑलमोस्ट, ये मान लो कि 1% टैक्स देना होता है और इंडिया में टैक्स देना होता है इनको 30%, तो ऑब्वियसली ये कंपनियाँ चाहेगी कि भाई ऑल और कुछ भी हो अपना प्रॉफिट तो अपनी कंपनी को ही जाए। तो ये क्या करेगी, यहां से जो भी आटा खरीदना है से ये खरीदेगी, यूएस की जो कंपनी है इसी की पेरेंट्स कंपनी है ना दूसरी है सब्सिडियरी कोई भी कंपनी है वहां से आटा खरीदेगी। अब देखो ऑलमोस्ट है क्या, जो यूएस में भी जो कंपनी है वो भी मदर डेयरी की तो है, तो मतलब ऑल ओवर प्रॉफिट तो मदर डेयरी कंपनी को जा रहा है ना, चाहे यहां से प्रॉफिट हो चाहे यहां से प्रॉफिट हो, बट इससे इंडिया को लॉस हो रहा है। ये आटा अगर यहां से खरीदेगा तो इससे इंडिया को लॉस क्या होगा कि अगर ये आटा क्या करेगा भाई महंगी रेट पर खरीदेगा, ये बोलेगा इंडिया वालों को कि हम तो आटा है ना 30 रुपए की एक ब्रेड का पैकेट बेच रहे हैं, बोले कि हम 20 रुपए का तो आटा आटा ही आ जाता है, मतलब ये जानबूझ के महंगा खरीदता है। क्यों खरीद रहा है, ताकि यहाँ का इंडिया का जो प्रॉफिट है ना सारा वो एक्चुअली यूएस शिफ्ट कर दिया जाए। यूएस शिफ्ट कर दिया जाएगा तो उसका फायदा इनको ये होगा कि यूएस में तो टैक्स कम देना है, टैक्स कम देना है तो ऑब्वियसली ऑल ओवर प्रॉफिट कहाँ गया, जो मेन कंपनी है मदर डेयरी उसके पास चला गया। तो मेनली प्रॉफिट को बचाने के लिए कंपनियाँ क्या करती हैं, ज़्यादा महंगी रेट पर अपनी ही रिलेटिव कंपनी से सामान महंगा खरीदती हैं, ताकि यहाँ की गवर्नमेंट को दिखा सकें कि देखो साहब हमें तो प्रॉफिट हो नहीं रहा है। अब इंडिया में क्या दिखाएंगी ये कंपनी कि सर हमें तो 10 रुपये का भी प्रॉफिट नहीं हो रहा, 20 रुपये का तो आटा आ गया पर ब्रेड में, 5 रुपये 10 रुपये हमारे वैसे लग गए तो हम तो लॉस और हो रहा है, तो हम आपको क्या टैक्स देंगे। तो इस तरीके से कंपनियां ना ऐसे काम करती हैं। तो आपको पता है कि आटा इतना महंगा नहीं होता, तो इसीलिए क्या गवर्नमेंट क्या करती है, इनको पहले बोलते हैं कि आप पहले भाई एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट साइन कर लो, कि आप पहले ही बता दो कि इस रेट पे हम आटा बाहर से खरीदने वाला है, ताकि गवर्नमेंट को बोल दे भाई इस रेट पे तो इंडिया में मिल रहा है सस्ता, आप बाहर से क्यों खरीद रहे हो, ये तो चूना लगाने वाली बात होगी ना। तो ऐसे सारे कामों के लिए एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट है वो साइन किया जाता है। इससे ये फायदा होता है ताकि एक तो जो भी कंपनी है उसको दिक्कत नहीं होती है, जो भी असंदिग्धताएं होती है ना वो खत्म हो जाती हैं, कि भाई फिक्स होता है कि कंपनी ने पहले एग्रीमेंट कर लिया, गवर्नमेंट को दिखा देते कि हाँ देखो भाई हम यूएस से इस रेट पर आटा खरीद रहे हैं, जैसे 5 रुपये किलो खरीद रहे हैं 10 रुपये किलो जो भी। इसके बाद में एक ये होगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि इससे कंपनियों में बार बार जो भी इंडिया के टैक्स के जो अधिकारी हैं वो बार बार आके कंपनी में अंगुली नहीं करेंगे कि आपने आटा यहाँ से क्यों खरीदा, आपने महंगा खरीद रहे हो, आप पैसे की मनी लॉन्डिंग वगैरह ऐसा कुछ कर रहे हो। तो मतलब एक तो क्या है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में फायदा होगा। तो ये था एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। अब चलते हैं हम आगे, अगली न्यूज़ है वो आई उजाला स्कीम के बारे में। उजाला स्कीम के बारे में न्यूज़ ये, देखो उजाला स्कीम है वो मेनली एलईडी बल्ब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चलाई गई थी, तो ये हमें ध्यान रखना है। और न्यूज़ में भी ये आया था उस टाइम पे जबकि हम न्यूज़ डिस्कस करते हैं, मेनली सेप्टेम्बर की है, उसमें ये था कि भाई उजाला स्कीम है वो मलेशिया के मलाका सिटी में स्टार्ट की गई है। मलाका सिटी आपको पता है क्यों इंपॉर्टेंट सुर्खियों में थी, ये पहले दो तीन बार हम इसको डिस्कस भी कर चुके हैं। मलाका सिटी में आईएसआईएस का दबदबा वो बढ़ता जा रहा था, तो इसके लिए इंडिया ने यहाँ पे टेरर फंडिंग दी थी $1 बिलियन के आसपास आई थी। अब ये मुझे नहीं पता कि 1 बिलियन थी या 10 बिलियन है, बट इंडिया ने पहली बार किसी कंट्री को आतंकवाद से निपटने के लिए टेरर फंडिंग है वो दी थी मलेशिया की मलाका सिटी को। तो ये हमें ध्यान रखना है। खैर यहाँ पे तो उज्ज्वला स्कीम के बारे में, तो उज्ज्वला स्कीम हमने देख लिया कि एलईडी बल्ब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है और मलेशिया में इसे स्टार्ट किया गया, इंडिया के बाहर मलेशिया में, ये ध्यान रखा मलाका सिटी में। किसके द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है, इंडिया में मलेशिया में वो स्टार्ट किया गया EESL के द्वारा, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया, जो कि पावर मिनिस्ट्री का ही एक स्पेशल पर्पज व्हीकल है। EESL के बारे में आगे एक न्यूज आएगी, वहाँ भी हम इसे पूरे से डिस्कस कर लेंगे अच्छे से। आगे चलते हैं इस पे यूपीएससी, देखो ये पूछ सकते हैं कि जो कौन सी ऐसी स्कीम है रिसेंटली जो कि मतलब मलेशिया में या बाहर फॉरेन कंट्री में स्टार्ट की गई, तो ध्यान रखने की उजाला स्कीम है वो इंडिया के साथ साथ मलेशिया में भी स्टार्ट की गई है, मतलब नॉर्थ ईस्ट वगैरह में यूपीएससी से घुमा फिरा के पूछ सकती है, साउथ ईस्ट में सॉरी। अगली स्कीम है उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान स्कीम है वो किसके द्वारा है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट है। क्या इसमें है, इसमें रीजनल कनेक्टिविटी को फोकस करने के लिए, तो इसका सेकंड वर्जन है वो स्टार्ट किया गया था, तो वो तो हमें याद नहीं रखना कि सेकंड वर्जन थर्ड वर्जन, बस ये बताना चाहिए कि उड़ान स्कीम किस है। इसके अलावा एक उड़ान स्कीम और भी है UDAAN, वो आपको बताने की किससे रिलेटेड है। मेनली तीन उड़ान स्कीम है, एक तो ये उड़ान देश के उड़े देश का आम नागरिक, और एक उड़ान स्कीम है वो जम्मू एंड कश्मीर के यूथ को अवेयर करवा, जम्मू एंड कश्मीर के यूथ के लिए चलाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, और एक स्कीम चलाई गई थी CBSE के लिए कि CBSE के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंजीनियरिंग और भी जो मेडिकल्स में एडमिशन्स वगैरह के लिए चलाई गई थी। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी स्कीम कहाँ पे है। अब चलते हैं हम आगे, अगली जो न्यूज़ है वो आई है कौशल पंजी के बारे में या स्किल रजिस्टर के बारे में। क्या है न्यूज़ है देखते हैं। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उसके द्वारा कौशल पंजी या रजिस्टर स्किल रजिस्टर है ये स्टार्ट किया गया है। इसका ये प्रावधान है, इसमें ये रखा गया है कि भाई गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम चलाई गई थी ये योजना, जिसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। नाम से पता चल रहा है कि भाई ग्रामीण एरिया में कौशल या मतलब स्किल है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे इस योजना में। ये योजना और इसी के साथ एक दूसरी योजना और थी जिसका नाम है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये RSET
TI, तो ये दोनों जो योजनाएं है ना, दोनों जो ट्रेनिंग सेंटर, इनका मेन काम ये था कि रूरल एरिया के अंदर किस तरीके से टेक्निक, एक तरीके से लोगों को स्किल प्रोवाइड करना, ताकि वो अपने रोजगार वगैरह खुद कर सकें और मतलब वो बेरोजगार ना घूमें, इसके लिए इस स्कीम को स्टार्ट किया गया था। तो उनमें कितने लोगों को स्किल वगैरह दी जाएगी, वो सारा काम एक स्किल रजिस्टर में, मतलब रजिस्टर में मेंशन करने के, एक जगह सेंट्रलाइज ऐसा रखा जाएगा ताकि पता चले कि भाई इस बार इतने, इस महीने में इतने लोगों को स्किल दी गई है, इतने इसने में ये रिजल्ट रहा है। तो मतलब सारा डाटा एक स्किल रजिस्टर है वो तैयार किया जाएगा। मेन काम ही है कि जो रूरल यूथ है उसको मोबिलाइज करने के लिए है, स्किल है, रजिस्टर स्टार्ट किया गया है। देख लिया किस किस के लिए स्टार्ट किया है, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट है। नेक्स्ट न्यूज है वो आई है बिजनेस एंड क्लाइमेट समिट 2017 BCS के बारे में। बिजनेस एंड क्लाइमेट समिट 2017 है वो फिक्की के द्वारा आयोजित किया गया था। फिक्की क्या है? फिक्की है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये मैनली जो इंडिया की कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सेक्टर है ना, इसका एक तरीके से लीड है, मतलब इसको हेड करता है। ये डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज हैं इनको रिप्रेजेंट करने का काम करता है। मैनली एक ऑर्गेनाइजेशन है, फेडरेशन है, ये हमें ध्यान रखने की फिक्की है क्या। तो इसके द्वारा इसे बिजनेस एंड क्लाइमेट समिट को आयोजित किया गया था। क्या होगा इसमें? इस समिट में ये हुआ था कि जो बिजनेस है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा और इन्वेस्टर्स को पॉलिसी वगैरह है, क्लाइमेट वगैरह, इन सारी चीज़ों पर फोकस किया जाएगा ग्लोबल क्लाइमेट पर। मतलब मेन काम ये कि भाई बिजनेस किस तरीके से प्रमोट करना है, किस तरीके से इंडिया में इन्वेस्टर्स आ सकते हैं, किस तरीके से पॉलिसी होनी चाहिए ताकि ज़्यादा रेवेन्यू हासिल हो सकता है, मतलब लोगों के अकॉर्डिंग भी पॉलिसी वगैरह बननी चाहिए, और क्लाइमेट का क्या इंपैक्ट पड़ता है इंडस्ट्री वगैरह पे, उसे ग्लोबल क्लाइमेट्स किस तरीके से बढ़ा सकते हैं इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए, वो सारा एक तरीके से बिजनेस रिलेटेड ये डील एक तरीके से समिट है वो हुआ था। नेक्स्ट न्यूज है वो आई है घरेलू के, वो है घरेलू सिस्टमेटिकली इंपैक्ट बैंक के बारे में, DSIBS। तो देखते हैं कि क्या है DSIB बैंक। देखो बात ऐसी है कि इंडिया के कुछ ऐसे बैंक हैं जो बहुत बड़े हैं कि मतलब जो अगर डूब गए तो इंडिया की इकोनॉमी वही क्रैश हो जाएगी, तो उसी बैंकों की लिस्ट को बोलते हैं DSIB बैंक, मतलब घरेलू सिस्टमेटिकली इंपैक्ट बैंक, कि अगर ये बैंक डूबे तो हमारे देश की इकोनॉमी है वो डूब जाएगी, मैनली मतलब काफ़ी खतरे में चल जाएगी, क्रेश हो जाएगी पूरी इकोनॉमी। तो इसमें मैनली पहले दो बैंक थे, एक प्राइवेट सेक्टर था वो था ICICI बैंक, और गवर्नमेंट सेक्टर का था वो था SBI बैंक। इन दोनों बैंकों के अलावा एक तीसरा बैंक और ऐड शामिल किया गया इस लिस्ट में, वो है HDFC बैंक। अब इसमें क्राइटेरिया क्या होता है? इसमें क्राइटेरिया यह होता है कि भाई जो भी बैंक है मतलब इसमें शामिल होगा, उसके लिए मेन प्रावधान यह है कि उसको हमारे देश की GDP का 2% पैसा उसके पास होना चाहिए, मतलब अप्रोक्सीमेट हमारे देश में GDP जितनी है उसका 2% के आसपास पैसा उसके पास है, तो वो हमारे देश की मतलब DSIB जो लिस्ट है बैंकों की इसमें शामिल हो जाएगा। तो इनको मैनली टू बिग टू फॉल बैंक के नाम से भी जाना जाता है, या टू बिग टू फॉल लिस्ट के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। UPSC पूछ सकते हैं कि टू बिग टू इसमें रिसेंटली किसे ऐड किया गया है, तो HDFC को ऐड किया गया है। टोटल तीन बैंक है, SBI, ICICI और HDFC, इन दोनों बैंकों, बस ये हमें ध्यान रखना है। अगली न्यूज जब वो आई है डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड DIDF के बारे में। तो देख लेते हैं क्या DIDF का काम क्या है। इसका काम ये है कि डेयरी डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं उनको फंडिंग देना, ठीक है। अब इसे मैनेज कौन करेगा इस फंड को? इस फंड को मैनेज करेगा वो है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और इसी के साथ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इन दोनों के द्वारा इस फंड को मैनेज किया जाएगा। काम क्या है? काम ये है डेयरी प्रोजेक्ट को फंडिंग करना, जैसे कि लोग कोई भी फार्मर वगैरह कोई अगर डेयरी की खोल रहा है तो उसके लिए फंडिंग वगैरह प्रोवाइड करना, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा देना, इसके साथ ही उसको अच्छी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना ताकि वो अच्छे पशु वगैरह वो रख सके, वो सारे काम इसमें प्रोवाइड कर जाएंगे मतलब डेयरी के लिए। अगली न्यूज़ है वो है लेट्स टॉक IP कैंपेन के बारे में। तो हैशटैग लेट्स टॉक IP जो कैंपेन है ये मैंने सोशल मीडिया पर चलाया गया था। किसके द्वारा? यह चलाया गया था डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, जो कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। किस लिए चलाया गया था? यह मैनली चलाया गया था कि भाई हमारे देश के अंदर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं ना, IPR बौद्धिक संपदा की जो राइट्स हैं, उनके बारे में लोगों को अवेयर करवा दिया, मतलब IPR राइट्स के बारे में अवेयरनेस के लिए इसे स्टार्ट किया गया था। एक सोशल कैंपेन था और मेनली इसे जो इसकी मेन सेल है जिसके द्वारा स्टार्ट किया था वो थी सेल फॉर IPR प्रमोशन एंड मैनेजमेंट। तो ये ध्यान रखना है कि सेल फॉर IPR प्रमोशन एंड मैनेजमेंट है ना, वो आती है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिसी एंड प्रमोशन के अंतर्गत, और डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिसी एंड प्रमोशन है वो आता है कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत। तो इस तरीके से सिस्टम है सारा, हमें ध्यान रखना है। और एक चीज ये आती है इंपॉर्टेंट यहीं पे कि GI टैग है तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है ना, वो भी इसी DIPP डिपार्टमेंट के द्वारा ही दिए जाते हैं सेल ऑफ IPR प्रमोशन एंड मैनेजमेंट के तहत कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत। तो ये भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है विश्वजीत स्कीम के बारे में। तो क्या है विश्वजीत स्कीम, इसके बारे में देख लेते हैं। विश्वजीत स्कीम है वो मेनली हमारे देश के जो IIT है ना, इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए है। तो इसमें ये था कि भाई गवर्नमेंट है वो फंड देगी और फिर इसका जो हमारी देश के IITs है ना, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाएगा ताकि वर्ल्ड लेवल पर उनकी पहचान है वो हो सके। तो HRD मिनिस्ट्री के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था, मतलब स्टार्ट किया जाना था, बट अभी तक इसे स्टार्ट नहीं किया, इसे फंडिंग वगैरह वो नहीं दी गई है, तो अभी तक ये एक्टिव फॉर्म में नहीं है, तो रहने देना, कोई काम की नहीं है इतनी।
अगली जो न्यूज़ है वो है क्रेडिट गारंटी फंड के बारे में। तो देख लेते हैं क्रेडिट गारंटी फंड के बारे में। देखो क्रेडिट गारंटी फंड है वो मिली हमारे देश में स्टार्टअप्स को लोन देने के लिए। नए जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको लोन नहीं मिलता है। अब नया नया आदमी बेचारा कहीं वो स्टार्टअप कोई कंपनी खोलेगा तो उसे लोन कौन देगा, तो इसलिए उनको ईजिली लोन मिल जाएगा। इसके लिए क्रेडिट गारंटी फंड है वो बनाया गया है। स्टार्टिंग में 2,000 करोड़ का फंड बनाया गया है। गवर्नमेंट जिम्मेदारी लेगी उसकी, जो भी आदमी कंपनी या जो भी आदमी अपना नया स्टार्टअप खोलेगा उसकी, कि हाँ भाई इस आदमी की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। तो ये डाला कि क्रेडिट गारंटी फंड किस लिए चलाया गया है, 2,000 करोड़ का इनिशियल फंड था, गवर्नमेंट इसमें गारंटर है, वो बनेगी। नेक्स्ट न्यूज है वो है डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में। तो देख लेते हैं क्या DGQA, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देख के तो कुछ ऐसा लग रहा हो कि या तो फाइनेंशियल मिनिस्ट्री से रिलेटेड होगा या फिर कुछ और मिनिस्ट्री से रिलेटेड किससे, बट जी ये डिफेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। काम क्या है इसका, इसका काम मेनली ये है कि जो हमारे देश में आर्म फोर्स है ना उनके लिए क्वालिटी है उसको एश्योर करने से काम है, बस वेपन्स वगैरह से। तो यह हमें ध्यान रखना कि DGQA है वो आर्म फोर्स से रिलेटेड है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत का मामला है। ये चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छे से हमें प्रिपेयर करके चलनी है। नेक्स्ट न्यूज जो है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के बारे में, DDUGKY। तो देखते हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना क्या है। मेनली रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया है। काम क्या है इसका, काम यही है कि भाई हमारे देश के जो यूथ है उसको डेवलप करना है, स्किल देना और साथ में दो, पहले तो स्किल दिए जाएंगी उसके बाद में उनको जॉब है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। और यह किसका पार्ट है, यह मेनली पार्ट है नेशनल रूरल लाइवहुड मिशन। गवर्नमेंट के द्वारा एक मिशन चलाया गया था नेशनल रूरल लाइवहुड मिशन, इसका में मेन काम यही था कि लोगों को स्किल लेके जॉब दिलानी है बस, मतलब लोग अपनी आजीविका है वो सुनिश्चित कर लें, उनको इधर उधर भागना ना पड़े, NRLM के नाम से जाता है। तो इसी का यह एक पार्ट है। ये ध्यान रखना कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है वो नेशनल रूरल लाइवहुड मिशन का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट न्यूज है वो आई है अशोक दलवाई कमेटी के बारे में। तो अशोक दलवाई कमेटी है वो हमें यह ध्यान रखना है कि भाई किसानों की इनकम डबल करने के लिए इसे स्टार्ट किया, इसमें ये कमेटी है वो बनाई गई थी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा। इसमें 7 पॉइंट स्ट्रेटजी है वो बनाई गई थी। तो सारे पॉइंट्स तो देखो हमें यहाँ पे याद नहीं करने के कौन कौन से थे, बट इतना देख लेना कि इस किसानों की इनकम डबल करने के लिए कमेटी आई थी, क्योंकि देखो डेली न्यूज़ में आता है आजकल किसानों की इनकम की डबल करने के लिए गवर्नमेंट ये कर रही है, 2022 तक वो कर रही है। तो ये ध्यान रखना कि भाई अशोक दलवाई कमेटी है उसी की रिकमेंडेशन दी गई थी क्या क्या करना है, और उसमें 7 पॉइंट स्ट्रेटजी 7 प्लान आए थे उन पर फोकस कर रही है गवर्नमेंट। अगली न्यूज जो आई है संपूर्ण बीमा ग्राम योजना। संपूर्ण बीमा ग्राम योजना का मेन मोटो ये है कि लोगों को अफोर्डेबल लाइफ इंश्योरेंस है वो प्रोवाइड करवाया जाए। किसकी हेल्प से, इसमें जो बीमा है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा पोस्ट ऑफिस की हेल्प से, मतलब लोगों को पोस्ट ऑफिस की हेल्प से क्या है कि स्वास्थ्य बीमा है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। सोशल सिक्योरिटी है वो भी दी जाएगी, ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखो बात ऐसी है, एक छोटी सी न्यूज़ यहाँ पे साथ में बता देता हूँ आपको कि पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस, पहले देखो PLI पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस है ना वो हमारे देश की सबसे पुरानी एक तरीके से लाइफ इंश्योरेंस है, जो कि 1984-85 में स्टार्ट की गई थी। ये हमें ध्यान रखना है पोस्ट ऑफिस के द्वारा ही देश की सबसे पहल पुरानी बोल सकते हो कि इंश्योरेंस है लाइफ इंश्योरेंस पोस्ट ऑफिस इंश्योरेंस के नाम से। तो इसी को अभी रूरल सेक्टर में एक अलग पार्टी वार्ड बना दिया गया, उसका नाम है रूरल ओप पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस। तो इसका मेन काम क्या होगा कि रूरल एरिया के अंदर हर लोगों को, मतलब हर परिवार के अंदर कम से कम एक आदमी को अफोर्डेबल जो है लाइफ इंश्योरेंस है वो प्रोवाइड करवाया जाए। तो ये ध्यान रखना है कि इसका मेन मोटो क्या है, पोस्ट ऑफिस की हेल्प से है, सोशल सिक्योरिटी के लिए, रूरल एरिया पे मेनली फोकस है, क्योंकि रूरल एरिया के अंदर देखो पोस्ट ऑफिस की पहुंच वो काफ़ी अच्छी होती है। शहरों के अंदर तो देखो बहुत सारी और भी इंश्योरेंस वगैरह होती है तो उनको दिक्कत नहीं होती, बट गाँव में इंश्योरेंस की काफ़ी दिक्कत होती है, तो इसीलिए गवर्नमेंट के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। तो यह चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट न्यूज है वो आई स्टार्टअप संगम इनिशिएटिव के बारे में। तो क्या है स्टार्टअप संगम इनिशिएटिव, यह मेनली पेट्रोलियम एंड गैस मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अब देखो हमारे देश की जो बड़ी ग्रुप्स है ना, जैसे ONGC हुई, गेल बेल वगैरह, इनके द्वारा PSUs के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। इसमें यह है कि इन दो तीन जो PSUs है ना, ये आपस में मिलकर क्या करेंगी, अब आपस में एक तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाएंगे और इनोवेशन को बढ़ाएंगे, मतलब नवाचार को लाने के लिए क्या करेंगी, यूथ को अवेयर करेंगी, वहाँ से टैलेंट वगैरह उसको अब्जॉर्व करेंगी, उसका फायदा ही होगा ताकि और भी अच्छे ज़्यादा ढंग से रिसर्च सोच के और बड़े पूरे वर्ल्ड के लेवल पे और अपना बिजनेस है वो बूस्ट किया जा सके। तो उसके द्वारा मतलब स्टार्टअप संगम है, जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं उनको भी फंड वगैरह ही देंगी। मेन काम इनका ये भी होगा कि भाई छोटे छोटे जो स्टार्टअप्स हैं ना उनको इनोवेशन वगैरह के लिए थोड़ा पैसा देंगी, ये PSUs है जो ONGC वगैरह जैसी कंपनीज, ताकि वो और ज़्यादा रिसर्च करें तो और इससे ONGC वगैरह जैसी कंपनीज है इनको फायदा हो, तो उसके लिए इसे स्टार्ट किया गया है। तो ये ध्यान रखना कि पेट्रोलियम गेट्स मिनिस्ट्री की जो PSUs है ना हमारे देश की पब्लिक सेक्टर यूनिट, जैसे कि ONGC होगी, गेल होगी, भेल वगैरह ऐसी, इन सब के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है इनोवेशन को बूस्ट करने के लिए, स्टार्टअप को क्या करेंगी पैसा देंगी। नेक्स्ट न्यूज़ जो आई है NIIF के बारे में, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड। यह 1 बिलियन डॉलर का
फंड है जो कि बनाया गया है अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के द्वारा, मतलब दुबई की जो अथॉरिटी है अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ADIA, उसकी हेल्प से इस फंड को बनाया गया है। इस फंड का काम ही है कि भाई हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आगे लेके जाना, क्योंकि आपको पता है कि अबू धाबी में दुबई का जो है UAE का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे देश में वो इन्वेस्ट करेंगे। $1 बिलियन का फंड है वो बनाया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए। तो ध्यान रखना कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड है वो किसकी हेल्प से बनाया गया है, जी अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की हेल्प से काम में होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट न्यूज है वो आइए पर्यटन पर्व के बारे में, तो देख लेते हैं क्या पर्यटन पर्व है। वो एक्चुअली कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा ही इसे स्टार्ट किया, सॉरी टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा ध्यान स्टार्ट किया गया, ध्यान रखना है, बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। कल्चर मिनिस्ट्री अपन जल्दी से टिक मार्क कर सकते हैं, टूरिज्म मिनिस्ट्री ने इसे स्टार्ट किया गया। काम इसका ये है कि हमारे देश की जो कल्चरल डाइवर्सिटी है ना उसका फायदा उठाते हुए हमारे देश की यूनिटी है ना उसको आगे लेकर जाए, जैसे कि हमारी कल्चर का सबसे मेन पॉइंट है कि विविधता में एकता, तो वो वाला कॉन्सेप्ट है ना उसी का फायदा उठाते हुए इस पर्यटन पर्व को स्टार्ट किया गया है। होगा क्या इसमें, होगा कि हमारे देश की जो कल्चरल वेल्थ है ना उसका यूज करना है और उसमें फिर हमारे देश की यूनिटी है उसे आगे लेकर आना। तो इसमें 3 पॉइंट पर फोकस किया जाएगा। पहला तो होगा देखो अपना देश, तो इसमें क्या होगा फॉरेन से बुलाए जाएंगे लोगों की भाई आइए घूमिए इंडिया में और अपने देश को देखिए और हमारे देश के बारे में वाह वाह करिए। दूसरा काम होगा टूरिज्म फॉलोअर, टूरिज्म फॉलोअर में ये होगा कि जगह जगह पे टूरिज्म इवेंट है वो लगाए जाएंगे, सभी लोगों को टूरिज्म के लिए प्रमोट किया जाएगा ताकि हमारे देश के बारे में लोग वो ढंग से जाने आपस में और यूनिटी है वो और ज़्यादा प्रगाढ़ हो। तीसरा काम ही होगा टूरिज्म एंड गवर्नेंस, टूरिज्म एंड गवर्नेंस में ये होगा कि डिफरेंट थीम है वो रखी जाएंगे जगह जगह पे, उसकी हेल्प से हमारे देश का टूरिज्म सेक्टर है पर्यटन है उसको आगे लेके जाना है। तो मेनली काम ही है भाई टूरिज्म को आगे बढ़ाना और कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको भी आगे ले जाना और यूनिटी को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट न्यूज है वो आइए PFMS के बारे में, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम का काम क्या है, इसका मेनली काम यह है कि हमारे देश में जो भी स्कीम वगैरह चल रही हैं इसके साथ जो रियल टाइम रिपोर्टिंग होती है उनकी, उसके सारे डाटा को इसके ट्रैक किया जाए कि भाई इस स्कीम में कितना पैसा तो चाहिए, कितना पैसा यूज हो गया है और कितना पैसा अभी खर्चा, मतलब कहाँ कहाँ खर्च हो, तो सारा डाटा का ट्रैक हो सके, रियल टाइम मॉनिटरिंग हो, रियल टाइम रिपोर्टिंग हो, उन सारे काम के लिए पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया ताकि जो करप्शन जो धांधलीबाजी होती है ना उससे कम किया जाए। और इसे इंप्लीमेंट किया गया है वो क्या गया है ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट के द्वारा ही इसे इंप्लीमेंट हो किया गया है, तो मतलब ट्रांसपेरेंसी के लिए इसे बनाया गया है। नेक्स्ट न्यूज है वो आइए प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के बारे में, PMGDISHA। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान है, इसका काम सीधा सा यह है कि रूरल एरिया में डिजिटल लिटरेसी है ना उसको बढ़ाना है, और यह पार्ट किसका, यही पार्ट है नेशनल सॉरी डिजिटल इंडिया विजन। गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रस्ताव मतलब अभियान चलाया गया था डिजिटल इंडिया विजन, इसका मेन काम ये था कि लोगों को डिजिटल साक्षरता है उसकी तरफ प्रमोट करना है। मतलब इसमें यह होगा कि गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, हर घर में एक पर्सन को एटलीस्ट हर घर में एक पर्सन को टेबलेट मतलब कंप्यूटर वगैरह टेबलेट हुए स्मार्टफोन के बारे में सिखाएगी कि भाई किस तरीके से यूज़ करना है कैसे क्या। तो इससे ये होगा कि हमारे देश का जो डिजिटल साक्षरता का जो गवर्नमेंट का टारगेट रखा गया ना वो पूरा हो जाएगा। तो उसी के द्वारा हर घर में ये रखना कि एटलीस्ट एक पर्सन को गवर्नमेंट ट्रेन करेगी, उसके बाद वो अपने घर में बाकी लोगों को ट्रेन करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है वो एक्चुअली ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंट तो बस छोटी सी न्यूज़ यही है कि टाइम्स हायर एजुकेशन है उसके द्वारा एक सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग है वो जारी की गई है, जिसमें इंडिया के जो इंस्टीट्यूट है ना साइंस इंस्टीट्यूट इंडिया के इंस्टीट्यूट IISc और IIT बॉम्बे इनको टॉप 200 की लिस्ट में शामिल किया गया। तो इतना तो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने बहुत बार डिस्कस भी कर लिया वैसे इसे। अगली जो छोटी सी न्यूज है वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के बारे में, अच्छे से याद हो गए इसे तो हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं वैसे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की 2018 की रिपोर्ट है, उसमें इंडिया की रैंकिंग है आउट ऑफ 190 100 है, मतलब एक 100वीं रैंक है 190 कंट्रीज में से, लास्ट ईयर थी 130 थी, 30 कदमों की भारी छलांग मारी इस बार इंडिया ने, तो इस बार काफ़ी वाह वाह बटोरे हैं मोदी साहब इसके लिए। किसके द्वारा जारी की जाती है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और इंडिया में कौन जारी करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट वो आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है, हमने लास्ट आर्टिकल में डिस्कस भी किया था। नेक्स्ट न्यूज है वो आइए स्मॉल सेविंग स्कीम के बारे में, तो स्मॉल सेविंग स्कीम है वो मेनली पब्लिक एंड प्राइवेट बैंक को अलाउ किया गया है। इसमें ये स्टार्ट किया गया है कि भाई जो पब्लिक एंड प्राइवेट बैंक है ना हमारे देश के, जैसे ICICI बैंक और SDFC और एक्सिस बैंक और इसी के साथ पोस्ट ऑफिस भी इसमें शामिल है, इनको भाई क्या है कि जो पब्लिक सेविंग मतलब छोटी छोटी जो सेविंग है ना उसको भी ये अलाउ कर सकते हैं, तो भी गवर्नमेंट ने इसको अलाउ किया है। तो इतना कुछ नहीं है, बस देख लेना याद होने को, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर अगली जो न्यूज़ है वो आई है नॉर्थ ईस्ट टेक्सटाइल प्रमोशन स्कीम NERTPS। नॉर्थ ईस्ट टेक्सटाइल प्रमोशन स्कीम है, नाम से साफ साफ पता चल रहा है कि टेक्सटाइल को प्रमोट करने के लिए है। इसमें ये होगा कि देखो हमारे देश का जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है ना, जैसे कि बंगाल हुआ इसके साथ मतलब वेस्ट बंगाल वाला एरिया हुआ आसाम वगैरह, उस वाले एरिया में क्या कि सिल्क का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो सिल्क प्रोडक्शन को गवर्नमेंट अच्छी क्वालिटी का और ज़्यादा बढ़ाने के लिए और वहाँ पे सिल्क के प्रोडक्ट हैं उसको मतलब अच्छे बूस्ट करने के लिए ही ये गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम है वो चलाई गई है। और आपको पता होना चाहिए कि सिल्क है ना वो मेनली एक पौधे के में जो जीवाणु होता है उसकी वजह से इसका निर्माण है वो होता है, सिल्क है वो मेनली प्रोटीन से बनता है
जिसे रेशम कहते हैं। तो रेशम है वो मेनली प्रोटीन से बना होता है, तो ये मेनली हमें जनरल अवेयरनेस के लिए काम आ सकता है। और एक इंपॉर्टेंट बात ऐसी आती है कि पूरे वर्ल्ड का जो 95% जो सिल्क है ना वो एशिया में प्रोड्यूस होता है, और एशिया में सबसे ज़्यादा सिल्क कहाँ प्रोड्यूस होता है, वो होता है इंडिया और चाइना में। तो ये कुछ फैक्ट है वो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ जब वो आई है 2017 का इकोनॉमी में नोबेल पीस प्राइज़ को, तो 2017 का इकोनॉमी में नोबेल पीस प्राइज़ वो मिला था रिचर्ड थालर को। इसके बारे में हमने काफ़ी सारे आर्टिकल्स भी डिस्कस किए थे, एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं क्या बात है, इनको क्यों दिया गया था भाई, इन्होंने काम किया था, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था नज इकोनॉमी या बिहेवियर चेंज इकोनॉमी का। तो ये हमें डाला कर नज इकोनॉमी और बिहेवियर चेंज इकोनॉमी का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट है या कोई भी इंसान है वो लोगों की बिहेवियर है उसको चेंज कर सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं जल्दी से एक बार, कि जैसे कि लोग हैं हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते हैं कोई भी, नॉर्मल को लोगों कहते हैं भाई हेल्थ इंश्योरेंस चलो, तो क्या बोलते हैं यार फालतू का पैसा कर्जो का साल के 7-8 हज़ार रुपये देने होंगे, कौन बीमार होता है इतना, छोड़ रहने दो। बट अगर वहीं गवर्नमेंट लोगों को फोर्सफुली अगर एक बार बोल दे कि नहीं आपको तो ज्वाइन करनी पड़ेगी, लोग अगर एक बार ज्वाइन कर लें तो उसके बाद लोग उसको छोड़ेंगे नहीं, क्यों नहीं छोड़ेंगे, सोचेंगे आज चल कोई बात नहीं चल रही है चलने दो, क्या दोस्त जा रहे हैं साल के 5-6 हज़ार रुपये तो जा रहे हैं, ठीक है होने दो आगे देखेंगे, कहीं क्या पता कहीं फ़ायदा ही हो जाए। तो वही होता है कि गवर्नमेंट है लोगों का बिहेवियर वो चेंज कर सकती है, और बिहेवियर चेंज का जो कॉन्सेप्ट वो काफ़ी सक्सेसफुल होता है। तो उसी को लेकर उन्होंने कॉन्सेप्ट वो दिए थे, तो उसी को नज इकोनॉमी या बिहेवियर चेंज इकोनॉमी के नाम से जाना था। अगली जो न्यूज़ है वो आई है MCX के बारे में, कि मल्टीपल कम्युनिटी एक्सचेंज है उसके अंदर गोल्ड को भी अलाउ किया गया है, और मल्टीपल कम्युनिटी एक्सचेंज है उसे रेगुलेट कौन करता है, उसे रेगुलेट करता है सेबी। तो यह ध्यान रखना कि सेबी को सेबी से रेगुलेट करता है मल्टीपल कम्युनिटी एक्सचेंज, जैसे वही है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसी प्रकार से। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, उसमें जो कंपनीज है उनके शेयर होते हैं मेनली, और इसमें मल्टीपल कम्युनिटी एक्सचेंज में क्या होता है जो कम्युनिटी में खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं इनको इसमें शामिल किया जाता है, कम्युनिटी में खाने पीने की सामग्री को इसमें शामिल होता है, और इसमें गोल्ड को भी अभी शामिल किया गया। पहले तो इसमें क्या था काफ़ी सारी और भी चीज़ें जैसे और भी मेटल्स वगैरह उनको इंक्लूड किया गया था कम्युनिटी एक्सचेंज में, बट अभी इसमें गोल्ड को अलाउ किया गया। तो यूपीएससी पूछ सकते हैं कि MCX में भी रिसेंटली गोल्ड है या नहीं है, तो गोल्ड को भी शामिल कर दिया गया। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही, बाकी जो न्यूज़ है वो नेक्स्ट आर्टिकल में डिस्कस करेंगे, अभी गला सूख गया काफ़ी। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।